दोस्तों आप अपने घर के चारों ओर देखेंगे तो आपको ऐसे कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने के खिलौने, टेबल फैन, टूथब्रश, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू। आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह ये काम करने लगता है, पर ऐसा कैसे? इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट यानी कि चुंबक की बेसिक बातें कवर करेंगे और फिर मोटर कैसे काम करता है यह समझने के लिए इन सभी को एक साथ रखेंगे। आइए सर्किट से शुरू करते हैं। हमारे पास एक बैटरी है, कुछ वायर है और एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग कर सकता है, जैसे कि एक लाइट बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो होती रहती है, लेकिन जैसे ही तार टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बुझ जाता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सर्किट काम करे तो बस आप इतना याद रखिए कि सर्किट का रास्ता पूरा होना जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर सर्किट के रास्ते को तोड़ने या जोड़ने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तार से बिजली बह रही है, इसे कन्वेंशनल फ्लो कहा जाता है। अगर हम बैटरी को बाहर निकालते हैं और उसे पलट देते हैं तो करंट दूसरी तरफ से बहने लगेगा। हालांकि लाइट बल्ब अभी भी काम करेगा, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो करंट के प्रवाह के आधार पर अलग तरह से काम करेंगे। ये थे सर्किट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। अब हम आते हैं मैग्नेट पर। इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और यह मैग्नेटिक मेटल्स को खींचता है, जैसे कि ये पेपर क्लिप। यदि आप दूसरे मैग्नेट को इसकी तरफ लाएंगे तो विपरीत पोल अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल रिपेल होंगे। जरूरी नहीं कि मैग्नेट इसी शेप का हो। उदाहरण के लिए कुछ मैग्नेट ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट। इन मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है, क्योंकि यह मैग्नेट्स हमेशा काम करते हैं, आप इन्हें बंद या चालू नहीं कर सकते। यह कई छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना होता है जो एक ही दिशा में रहते हैं, लेकिन आगे हम ऐसा मैग्नेट भी देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और बीच में एक छेद करेंगे और इसे एक ऐसे रॉड पर रखेंगे जहां पर यह आसानी से घूम सके। इसके साइड में एक दूसरा मैग्नेट लाने पर हम देखेंगे कि रॉड पर रखा मैग्नेट तुरंत घूमना शुरू कर देगा जब तक कि दोनों मैग्नेट्स के विपरीत पोल आमने सामने नहीं आ जाते हैं। अब अगर साइड वाले मैग्नेट को उलट दें तो सेम पोल आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम साइड मैग्नेट को बार बार उल्टा करते रहेंगे तो हमारा घूमने वाला मैग्नेट घूमता रहेगा। अभी के लिए बस ये घूमने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। यहाँ पर एक मेटालिक बोल्ट है जो मैग्नेट नहीं है। असल में ये मैग्नेटिक डोमेन से तो बना है, लेकिन इसके मैग्नेटिक डोमेन विभिन्न दिशाओं में है। चलिए अब इस बोल्ट पर तार को कई बार लपेटते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से बहने वाला करंट मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप कर देता है। इसका मतलब है कि हमने अभी अभी एक मैग्नेट या ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। यह वैसे ही काम करता है जैसे कि एक परमानेंट मैग्नेट। यह लोहे के टुकड़े को उठा सकता है और इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मायने में खास है कि इसे लाइट बल्ब की तरह चालू या बंद किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम बैटरी को पलट दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो पहले इस तरफ से बह रहा था वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा। इससे मैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे, नॉर्थ साउथ हो जाएगा और साउथ नॉर्थ हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी का बदलना कहते हैं, पर ऐसा करने का ज्यादा आसान तरीका बैटरी को पलटने की बजाय केवल तारों को पलटना है। आइए हम अपने घूमने वाले मैग्नेट पर वापस आते हैं। इस बार हम घूमने वाले मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देंगे। अब जैसे ही हम इसमें वायर जोड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाएगा और साइड मैग्नेट के पोल्स के अनुसार अपने आप को अलाइन कर लेगा। पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वायर जुड़े हैं ये इसे फ्रीली नहीं घूमने देंगे। पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के घूमने का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम तारों को आपस में बदल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट घूम जाएगा। तारों को फिर से बदल दीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी, और एक बार फिर सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से घूम जाएगा। यदि हम इसी प्रकार पोलैरिटी बदलते जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा। हम इसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरी तरफ एक और परमानेंट मैग्नेट लगा सकते हैं। ध्यान दें कि इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल सेंटर की तरफ है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेंटर की तरफ है।
इस प्रकार साइड में लगे हुए मैग्नेट्स के तालमेल से बीच वाला मैग्नेट घूमता रहता है। यहाँ पर जो हमने देखा वह इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ही साधारण रूप है। इसे उपयोगी बनाने के लिए हमें इसमें कुछ सुधार करने होंगे। दो साइड मैग्नेट्स को हटाकर ज्यादा पावरफुल कर्व्ड मैग्नेट्स लगाए जा सकते हैं और वायर लपेटे हुए बोल्ट की बजाय हम मेटल लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर जोड़िए और हमारा सर्किट कंप्लीट है। इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्लैट मान सकते हैं जिसका साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ। अब आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक कि विपरीत पोल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं। हम चाहें तो पहले की तरह ही वायर के छोरों को बदल कर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर इस वायर को स्विच करते रहना बेहद मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। यह एक रिंग है जिसमें दो गैप्स हैं और ये आर्मेचर के साथ घूमेगा। इसमें सर्किट कनेक्ट करने के लिए इसके साइड में दो ब्रशेस जोड़े जाते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तब यह ब्रशेस इस पर स्लाइड करते हैं। हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहे इसके लिए स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। करंट, वायर से ब्रश, ब्रश से कम्यूटेटर रिंग, कम्यूटेटर रिंग से आर्मेचर और फिर आर्मेचर से कम्यूटेटर रिंग और ब्रश के माध्यम से वापस वायर में फ्लो हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा तो आर्मेचर और कम्यूटेटर रिंग भी घूमेंगे। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेट जब लगभग इतना घूम लेगा तब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। याद रखिए दो ब्रशेस हैं और यह चीज दोनों तरफ होगी। कॉन्टैक्ट स्विच होने से पहले करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, पर जब ब्रशेस साइड स्विच कर लेंगे तब करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगा। और जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी बदल जाएगी और आर्मेचर घूमता रहेगा। असल में कम्यूटेटर रिंग यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले हम वायर बदल कर रहे थे, पर इस बार यह सब कुछ अपने आप ही कर ले रहा है। जब तक यह बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक यह इसी प्रकार घूमता रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। अभी तक हमने आर्मेचर पर बस एक लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें मोटर की स्पीड इरेगुलर होती है और इसके अलावा जब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के टुकड़ों के बीचों बीच होगा तब इस स्थिति में मोटर रुक भी सकता है। इस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पर हम कम्यूटेटर रिंग को और दो भागों में बांटकर और एक लूप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में ब्रशेस इन दो कम्यूटेटर के टुकड़ों के कॉन्टेक्ट में होते हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। पर जब कम्यूटेटर रिंग घूमकर इस पोजीशन पर आती है तो ब्रशेस का कॉन्टैक्ट कम्यूटेटर टुकड़े के अगले जोड़े के साथ हो जाता है, जिसका मतलब है पिछला वाला लूप ऑफ हो जाता है और अगला लूप ऑन हो जाता है और अब अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता है। ब्रशेस फिर से कॉन्टैक्ट बदलते हैं और अगला लूप ऑन हो जाता है। मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है और लूप्स एक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते रहते हैं और मोटर को घुमाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में कई लूप्स जोड़े जाते हैं जिससे मोटर स्मूथली चलता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ज्यादा टॉर्क का मतलब है मोटर की ज्यादा स्पीड। मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे ज्यादा वायर होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए अगर बोल्ट पर ज्यादा वायर लपेटा जाए तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आर्मेचर लूप्स भी बहुत सारे वायर से बने होते हैं, जिसका मतलब है मोटर में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और मोटर भी ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यही कारण है कि अगर आप किसी असली मोटर को खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारा वायर लपेटा हुआ होता है। ज्यादा वायर का मतलब है ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे पावरफुल बनाने का दूसरा तरीका है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। आइए हम मोटर से संबंधित और भी कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट्स नहीं घूम रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, जो कि इस केस में साइड में लगे दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर केस के अंदर फिट होता है और बीच में जो आर्मेचर है उसे रोटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। मोटर के बीचों बीच एक शाफ्ट लगा होता है जो मोटर के पीछे से बाहर आता है। इस वीडियो में आपने जो मोटर देखा है वह एक डीसी मोटर है। अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें मूवमेंट होता है और वो बैटरी से चलता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें डीसी मोटर ही लगा होगा। मोटर चाहे जिस भी प्रकार का हो, लेकिन अधिकांश तरह के मोटर्स रोटेटिंग मोशन बनाते हैं जिसे बाद में उपयोग अनुसार अलग अलग मोशन में बदल दिया जाता है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।